नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम सेहत की बात पर मैं शहला जमाल आज फिर आपके सामने रूबरू हूँ और आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। ख्वातीनों हजरात, माँ बनना हर एक औरत की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मरहला होता है, न सिर्फ उन माँ बाप के लिए बल्कि उनकी पूरी फैमिली के लिए। बहुत बड़े जश्न का मुकाम होता है, बहुत बड़े जश्न का इंतज़ाम होता है, लेकिन कई बार काफ़ी लोग इस खुशखबरी से महरूम रह जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि वजूहात बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन कई बार मसले की जड़ तक पहुंचना या फिर एक ऐसा कोई कॉज ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बिना एक्सपर्ट की सलाह के हम तह तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो नाज़रीन, आज इस मौजू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता यादव, जो कि कंसल्टेंट हैं CGHS सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में। डॉक्टर सुनीता यादव, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सायला। नमस्कार डॉक्टर यादव, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अक्सर हम सुनते हैं कि एक औरत को बच्चा नहीं ठहर पा रहा है या फिर उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, काफ़ी ट्राई कर रहे हैं और डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनफर्टिलिटी है आपको, तो आप हमें ये बताएंगे कि दरअसल इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी क्या चीज़ है? देखिए, अगर कोई भी स्त्री शादी के एक साल तक प्रयास करती है, कुछ इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं ठहरता, तो हम उसको कहते हैं कि उसको इनफर्टाइल कपल है ये, या सब फर्टाइल कपल है, और उसको हम अपनी जांचें कराने के लिए कहते हैं। तो आप कहना चाहेंगे कि एक साल तक लगातार जो कपल्स एक साथ रहते हैं, लगातार ट्राई करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उन्हें डायरेक्ट IVF स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से भी काम चलेगा? बिल्कुल नहीं, IVF नहीं, उसको एक सासरी रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी, जैसे आपने बोला, कि कारण होते हैं जिनके वजह से बच्चा नहीं ठहरता, जो कि हम हिस्ट्री से ही काफ़ी हद तक ये जानकारी हमको पता लग जाती है कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है इस मरीज़ को। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ पर यंग फीमेल जो हैं, 35 साल से कम फीमेल को हम कहते हैं कि आप एक साल तक इंतज़ार करिए, एक साल के बाद हम आपकी सारी जाँचें शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल उस वेटिंग पीरियड में उनका बच्चा ठहर जाता है, लेकिन 35 साल के बाद और उससे ऊपर की लेडीज़ को हम कहते हैं कि आप अपनी जाँचें कृपया जल्दी शुरू करें, क्योंकि आपकी अंडकोश जो है, उनका फंक्शन जो है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो अक्सर ये एक टैबू है, ये एक मानना है लोगों का कि औरत ही हर इस तरह के केस के लिए जिम्मेदार होती है। आपका क्या कहना है कि आदमी का इस चीज़ में कितना रोल है? देखो साहिला, 40% हम कहते हैं कि स्त्री इसके लिए ज़िम्मेदार है, 40% के अंदर मेल जिम्मेदार होते हैं, उनमें कोई नुस्ख होता है, और 20% के अंदर दोनों में या और कुछ वजह हो सकती है, बट फीमेल जो है वो इक्वली ज़िम्मेदार होता है, औरत के बराबर ज़िम्मेदार होता है। और आदमियों में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस, जो कि इवन माइनर सर्जरी या पेनफुल प्रोसीजर्स नहीं कराने होते, तो इसीलिए सबसे पहले तो हम पुरुष को ही कहते हैं कि आप अपना हस्बैंड सीमन एनालिसिस ज़रूर करा लीजिए। और हमारे देश में ये तो है कि पुरुष जो हैं वो आगे नहीं आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई जांच की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो भ्रांति है ये गलत है। पुरुष की जांच सबसे पहले होनी चाहिए, साथ साथ में औरत की जांच होनी चाहिए। पहले हम केवल ब्लड टेस्ट और कुछ बेसिक टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह से ही इनफर्टिलिटी के कारण जानने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री से हम कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि क्या परेशानी है, और अगर ये सारे टेस्ट ठीक ठाक आते हैं तो फिर हम और टेस्ट के तरफ जाते हैं, जिनमें कि थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर भी होता है, एंड इवन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी लेटर ऑन करानी पड़ सकती है। तो क्या हर एक कपल को सारी जांच करानी पड़ती है, या फिर हम किसी कायदे या कानून से चलते हैं कि पहले ये टेस्ट कराने ज़रूरी है और उसके बाद आगे की बात की जाए?
नहीं, सब में सभी जांचों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हिस्ट्री से ही हम पता करने की कोशिश करते हैं। मरीज़ से पूछते हैं कि आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर उसको पीरियड्स बिल्कुल ठीक ठाक आ रहे हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि उसका अंडा जो है वो ठीक ठाक बन रहा हो कि नहीं बन रहा। तो हमें ये भी देखना होता है कि उसके अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा, फूट रहा है कि नहीं फूट रहा। उसके लिए हम टेस्ट कराते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं उसका कोई ट्यूबल फैक्टर तो नहीं है बच्चा ना ठहरने की वजह। ट्यूबल फैक्टर का मतलब है कि आपके ट्यूब्स बंद हो गए किसी कारणवश। ट्यूब्स बंद होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि ज़्यादातर कारण क्या होते हैं, इन्फेक्शंस होना। स्त्री को इन्फेक्शन जो है पुरुष से अक्सर आ जाता है। वो इन्फेक्शन अगर ऊपर असेंड करता है बच्चेदानी के ऊपर, ट्यूब्स को इन्वॉल्व करता है, तो ट्यूब्स बंद होने का खतरा होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमारा तो कोई सेक्सुअल कांटेक्ट तो है नहीं, फिर मुझे कैसे पेल्विक इन्फेक्शन होता है? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि टीबी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है हमारे देश में इनफर्टिलिटी का। इसमें मरीज़ को हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। कभी कभी वो कहती है कि मुझे बचपन में कभी टीबी हुआ था, छाती का टीबी हुआ था, टीबी की कोई गांठ हुई थी, या मेरी फैमिली में हिस्ट्री है टीबी की, या मुझे महीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है, महीना जो है या ज़्यादा आने लगा है या हल्का महीना आने लगा है, दुखन हमेशा नीचे रहने लग गई है, पानी का शिकायत रहने लग गया है, और वज़न भी घट रहा है, शाम को हरारत महसूस होती है, भूख नहीं लगती। काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री से हम कोशिश करते हैं। और टीबी हम हर ऐसी स्त्री के अंदर जो कि बच्चे के लिए कोशिश कर रही है रूल आउट करते हैं टेस्ट के द्वारा। और इन्फेक्शंस के अलावा आपके और कारण जिनकी वजह से ट्यूब बंद हो सकती है वो है आपकी कोई सर्जरी हुई हो। कोई भी सर्जरी, ना केवल जननांगों से इन्वॉल्विंग सर्जरी, जैसे कि आपकी यंग एज में कोई अंडकोश की सिस्ट थी या आपकी कोई रसौली थी वो निकाली गई थी, तो उसको निकालने के बाद अंदर जो है चिपक चिप कहते हैं हम एडिशंस बन गए, और इस वजह से बच्चेदान ट्यूब्स जो हैं वो चिपक जाती हैं, ट्यूब्स के अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। और ना केवल जननांगों से इन्वॉल्विंग ही सर्जरी हो सकती है, हो सकता है कि वो सर्जरी आपकी अपेंडिक्स की सर्जरी रही हो, क्योंकि अपेंडिक्स ट्यूब से काफ़ी पास है। तो उसका भी ऑपरेशन होने के बाद भी ऐसे मरीज़ को कोई बाद में ट्यूब्स चिपक वगैरह जाती हैं। और कुछ पेशेंट्स आपको हिस्ट्री दे भी जा सकते हैं इन तरह की प्रॉब्लम्स की, और कुछ पेशेंट्स बिल्कुल हिस्ट्री छुपा भी सकते हैं। अगर पेशेंट हिस्ट्री इस तरह की छुपा रहे हैं तो हम इवन जांच से बता सकते हैं। पेट पे हम अगर कोई स्कार देखते हैं और पुराने ऑपरेशन का कोई निशान देखते हैं तो हम फिर पूछने की कोशिश करते हैं कि कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। बाकी हम जननांगों के एग्जामिनेशन से भी हमें पता चल जाता है कि इसने लगता है कोई इंटरवेंशन पहले कभी कराई है कि नहीं कराई। कुछ मरीज़ों के अंदर परेशानी जो है हस्बैंड वाइफ के मिलने की होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स। वो कहते हैं जी मैं तो महीने में 2 बार मिलता हूँ या मैं महीने में 4 बार मिलता हूँ, लेकिन उनको फर्टाइल पीरियड के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। फर्टाइल पीरियड का मतलब है कि अंडा जो है वो कुछ टाइम एक टाइम पे बनता है। वो हम जिनका 28 डेज की साइकिल होती है तो उनका अंडा 14वें दिन के आसपास बनता है, और हम उनको कहते हैं कि आप 12वें दिन से लेकर 18वें दिन तक मिलिए। यानी इसमें मैं जो 12वां दिन कह रही हूँ, D1 इज जब आपका पीरियड जिस दिन शुरू होता है उसको आप D1 काउंट करते हैं। जी बिल्कुल। तो वो फर्टाइल पीरियड होता है, और उस टाइम पे हम कहते हैं कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलिए, क्योंकि आगे पीछे अगर आप मिलेंगे तो बच्चा नहीं ठहरेगा, क्योंकि आपका अंडा एक ही टाइम पे बनता है और ज़्यादातर 24 to 48 आवर्स तक ही जीवित रहता है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने पर ही मेरे ख्याल से बहुत सारे मसलों का आप सॉल्यूशंस एक साथ दे सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। और ज़्यादातर मरीज़ों को मैं समझती हूँ, जैसा कि मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा हुआ, कि बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, सिर्फ डॉक्टर नहीं। से फौरी तौर पर बात करने पे, उनके एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से काफ़ी चीज़ें पता चलाई जा सकती हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर यादव, आपके अंदाजे से कौन से वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिसमें कुछ खास रिस्क फैक्टर्स होते हैं या ऐसी कोई अलामत होती हैं, निशानदेहियाँ होती हैं, जिससे कि हम ये कह सकें कि आगे आइंदा इस कपल में इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी हो सकती है? जैसे कि अगर कोई मरीज को पीरियड्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, है ना, महीना ज़्यादा आता है या महीना कम आता है या महीना आता ही नहीं, 2-2 3-3 महीने आता ही नहीं, या थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं यानी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं,
या फिर कोई, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि सर्जरीज हैं या पेल्विक इन्फेक्शंस हैं या टीबी है या आपकी एज बहुत ज़्यादा है, आप लेट मैरिज कर रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों को रिस्क रहता है कि आप लेटर ऑन, या आपकी इनफर्टिलिटी सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, सिस्टर्स वगैरह में भी बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम हुई थी, और आपकी फैमिली में अगर इस तरह की हिस्ट्री है तो हमको थोड़ा जल्दी उनको इन्वेस्टिगेट कराना पड़ता है कि उनमें रिस्क हो सकता है। अच्छा, ये तो बात रही एक औरत की। आदमियों में भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आप बताना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को कि उनमें अगर ये है तो ज़्यादा चांसेस हैं इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी के? आदमियों के भी सिमिलरली यही है कि एज के साथ उनका भी सीमन की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। आदमी भी अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, स्मोकर है, ये ड्रग्स वगैरह ये सब लेता है, उनकी भी सीमन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। बाकी आदमी की भी अगर कोई प्रॉब्लम, जननांगों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे वेरिकोसील हम कहते हैं, तो आदमी की भी बहुत सारी परेशानियां इस तरह की हो सकती हैं जो कि इनफर्टिलिटी को लीड करती हैं, जिनके लिए हम यूरोलॉजिस्ट की सहायता लेते हैं और आदमी को हम यूरोलॉजिस्ट के पास जांचों के लिए भेजते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो औरत और आदमी में प्रेजेंट हो सकती हैं और ज़्यादातर केसेस में शायद रिस्पॉन्सिबल भी होती हूँ। कई बार हम देखते हैं कि कोई वजह मिल ही नहीं पाती है, सारे टेस्ट हो गए हैं, सारी जानकारी ले ली गई है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी तक जैसे जैसे रिसर्च चल रही है, हम इनफर्टिलिटी के बहुत से कारण हमें पता चल चुके हैं, तो जिनको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी आज कह रहे हैं, हो सकता है कुछ सालों बाद हम उनके भी वजह जान पाए, है ना। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ये होती है कि आपने देख लिया अंडा भी ठीक से बन रहा है, ट्यूब्स भी खुली हुई हैं, आपने आईयूआई भी कर लिए, 6 से लेके मैक्सिमम 12 साइकिल्स आईयूआई भी ट्राई कर लिए, और हस्बैंड का सीमन भी, आईयूआई में तो आप नेचुरली सीमन वॉश करके आप करते हैं, आईयूआई करते हैं, मतलब सारी वजह, आपने बच्चेदानी में भी कोई परेशानी नहीं है, जिसको बच्चेदानी की परेशानी हम हिस्ट्रोस्कोपी या हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी इन से टेस्टों के द्वारा हम पता कर लेते हैं, ये सब भी नॉर्मल हैं। और फिर भी अगर बच्चा, और आपके बाकी हार्मोनल कॉजेज ऑफ कोर्स, जैसे कि थायराइड है या ब्लड शुगर्स हैं, पेशेंट डायबिटिक हो सकता है, पेशेंट प्री डायबिटिक हो सकता है, कि उनमें भी आपके अंडा बनने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये सारे रूल आउट, और हो सकता है मरीज़ कोई लंबी मेडिकेशन पर हो जो कि इन हार्मोनल का इम्बैलेंस कर रही हो, तो हिस्ट्री वगैरह लेकर अगर आपको कोई भी रीज़न नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, और फिर हम ऐसे मरीज़ों को IVF के लिए सलाह देते हैं। IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, ये तो मैं समझती हूँ कि एक लास्ट ऑप्शन की तरह हम लेके चलते हैं। इससे पहले भी आपने जैसे अभी IUI का जिक्र किया था, तो आप हमें कुछ उसके बारे में और बताना चाहेंगी? IUI के अंदर हम क्या करते हैं कि शुक्राणु जो है, पुरुष का शुक्राणु को सीमन वॉश के लिए भेजते हैं। सीमन वॉश से क्या होता है कि जो एक तरह से ये छटनी हो जाती है, जो अच्छे वाले शुक्राणु हैं वो छांट लेते हैं हम, जो ज़्यादा मोटाइल होते हैं, जो हमें वो वाले शुक्राणु जो हैं, हम स्त्री के बच्चेदानी के अंदर, वॉम्ब के अंदर डायरेक्टली, आप विद्दी एक प्लास्टिक की कैन्यूला, जिसको हम IUI कैन्यूला बोलते हैं, उसके द्वारा आप बच्चेदानी के अंदर सीधा डाल देते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चेदानी के मुँह के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी करते हैं, जैसे सर्वाइकल फैक्टर्स, वो सर्विक्स जो है हम आपने बाईपास कर दिया, हमने सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह के अंदर को बाईपास करते हुए सीधा शुक्राणु जो है वो बच्चेदानी के अंदर आपने डाल दिए, तो इस विधि से भी बच्चा ठहरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जिनका बच्चा नहीं ठहरता, हम सारे कारण, ट्यूब्स वगैरह खुले होते हैं, तो उनको हम शुरू में IUI की ही सलाह देते हैं, और ये बहुत ही ये कॉस्टली प्रोसीजर नहीं है, दिस इज़ नॉट IVF, जैसे लोगों को लगता है कि IUI यानी मुझे IVF स्पेशलिस्ट के पास जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। IUI कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट कर सकता है, उसको एक सीमन वॉश की सुविधा चाहिए, या तो उसके हॉस्पिटल में हो या फिर पास में कहीं पे सीमन वॉश की सुविधा जगह जगह पे मौजूद है, और एक IUI कैंडुला की ज़रूरत होती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता। IUI से पहले भी क्या हम कोई चीज़ कर सकते हैं? IUI से पहले तो हमें पहले कारण ही देखने हैं कि क्या है। सपोज़
एक मरीज़ मेरे पास आया, अभी 1 साल ही है, यंग पेशेंट है, ज़्यादा टेस्ट नहीं कराना चाहता, तो मैं उसको पहले बोलती हूँ कि आप अपना ये देख लीजिए, आपका अंडा ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा। जी अंडा ठीक से नहीं बन रहा उसकी पहले तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से ही पता चल जाता है। वो कहती है मेरे को तो रेगुलर पीरियड्स आते हैं, हर 28 दिन में आते हैं, हल्का फुल्का सा पेन होता है पीरियड स्टार्ट होने से पहले। और तो मुझे लगता है कि ये जानकारी मेरे लिए इनफ है कि इसका अंडा शायद बन रहा है, ठीक से बन रहा है। और टेस्ट जो मैं इसके लिए कराती हूँ, इसके लिए पहले हम लोग एक BBT थर्मामीटर इस्तेमाल करते थे। BBT का जो थर्मामीटर है वो आपको केमिस्ट के पास मिल जाता है, उसकी मार्किंग्स थोड़ी ज़्यादा ऐसी होती है कि आप जी उसको इंटरप्रेट कर पाएँ। उसमें आप BBT थर्मामीटर की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा। दूसरा जो है वो है आपका यूरिनरी LH किट्स। यूरिनरी LH किट जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जिससे कि आप हर रोज़ आप यूरिन टेस्ट अपना करते हैं। कौन से दिन से कौन से दिन तक आपको यूरिन टेस्ट करना है ये उसमें लीफलेट में मेंशन होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पीरियड्स की साइकिल लेंथ कैसी है, और उसके द्वारा आप भी पता कर सकते हैं कि आपका अंडा ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा। तीसरा, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीरियल अल्ट्रासाउंड आपको कराने पड़ते हैं, यानी आपको हो सकता है 4-5 सिटिंग्स अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास जानी पड़े, वो आपको उससे पता चलता है आपका अंडा बन रहा है और फूट रहा है कि नहीं फूट रहा। तो इस तरह तो आपको अंडा बनने की प्रॉब्लम्स आप रूल आउट करा लेते हैं। दूसरा टेस्ट जो हम कराते हैं वो है बच्चेदानी का TB रूल आउट कराने का। उसका तरीका ये है कि हम उसको कहें कि आप अपना पीरियड्स का फर्स्ट डे का ब्लड जो है वो आप टेस्ट कर लीजिए, कराने लैब में TB के लिए टेस्टिंग के लिए करा लीजिए। या फिर हम दूसरा तरीका है कि वो माइनर वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है, हम एक प्लास्टिक की ट्यूब के द्वारा आपका पीरियड स्टार्ट होने से पहले का जो है सैंपल ले लेते हैं और उसमें आप TB के लिए टेस्ट करते हैं। तो ये TB टेस्ट सेकेंड स्टेप ये हो गया। आपने हार्मोनल ब्लड टेस्ट सारे करा लिए, आप अंडा बनना बन रहा है नहीं बन रहा है देख लिया, ट्यूब्स TB रूल आउट कर लिया। उसके बाद हम जाते हैं आपके ट्यूब्स के ऊपर कि आपके ट्यूब्स खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए। इसके लिए हम जो टेस्ट है वो उसको हम कहते हैं हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी। हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी के अंदर डाई डालते हैं हम नीचे से और बच्चेदानी के मुँह से, और अगर उसमें ये भी फ़ायदा होता है HSG के द्वारा, HSG बोलते हैं हम उसको शॉर्ट फॉर्म में, तो अगर ट्यूब में थोड़ी बहुत भी अगर रुकावट होती है तो वो डाई पुश करने से खुल जाती है। ये जी थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है। HSG के अलावा एक आपका सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी भी प्रोसीजर है, जिसमें कि आप अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, आप नीचे से सलाइन या फ्लूइड पुश करते हैं और देखते हैं कि वो फ्लूइड आपका, अगर ट्यूब खुले होंगे तो वो फ्लूइड आपके पेट के अंदर आ जाएगा और वो अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके ट्यूब्स खुले हुए हैं। तो ये दो प्रोसीजर्स हैं कि आप पता कर सकते हैं ट्यूब खुले हुए कि हैं नहीं कि नहीं खुले हुए। और अगर आपको फर्दर और टेस्टिंग के लिए तो फिर हम लैप्रोस्कोपी की तरफ जाते हैं। तो दूरबीन से जो आप जांच करती हैं, तो इस दूरबीन की जांच में अंडेदानी, बच्चेदानी, ट्यूब्स, क्या इन सब का अंदाज़ा हो जाता है कि ठीक है कि नहीं ठीक है? ये जो दूरबीन का टेस्ट है हम उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक हिस्ट्रो लैप्रोस्कोपी। तो उसमें आप बच्चेदानी के अंदर भी इंस्पेक्ट करते हैं, आप बच्चेदानी के अंदर एक टेलीस्कोप सा डाल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं, एंड आप इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि बच्चेदानी पूरी तरह से ठीक ठाक है कि नहीं। लैप्रोस्कोप हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें ना केवल हम बच्चेदानी को ऊपर से उसकी ऊपरी सतह बनावट कैसी है, दो बच्चेदानी तो नहीं है, और या फिर ट्यूब्स, फिर ट्यूब्स को भी हम देख सकते हैं और अंडकोश को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और कुछ चिपकन वगैरह जैसे एडिशंस वगैरह हैं उनको भी हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और उसी सिटिंग में, सेम सिटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर यादव, जैसे हम एक मरीज़ को, एक कपल को लेके चलते हैं कि हम इनकी जांच करा रहे हैं, साथ के साथ आप क्या कोई दवाई भी प्रेस्क्राइब करती हैं या कुछ और मरीज़ को इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि जिससे प्रेगनेंसी होने में हेल्प मिले? अगर उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो केवल अंडा बनने की हैं तो अंडा बनने के लिए हमारे पास मेडिसिंस हैं, जैसे कि आप दवाइयाँ भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं।
दवाइयाँ, पहले द गोलियाँ देते हैं, उनकी डोज़ दवाई देने के बाद हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीरियल अल्ट्रासाउंड देखते हैं कि अंडा उस डोज से बन रहा है कि नहीं बन रहा, उस डोज से फूट रहा है कि नहीं फूट रहा। अगर उससे नहीं बन रहा तो हम उसकी और हायर डोज के लिए जाते हैं, उससे भी नहीं बनता तो फिर हम इंजेक्शंस की सहायता लेते हैं अंडा बनने के लिए और अंडा फूटने के लिए। मैंने अक्सर देखा है और सुना भी है कि लोग एक छोटी पीली गोली फॉलिक एसिड ये खाते हैं, आपके अंदाजे से कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की? देखो शायला, फोलिक एसिड फर्टिलिटी को नहीं बढ़ाता है। फोलिक एसिड आपकी बच्चे के अंदर, अगर आपको प्रेगनेंसी ठहरती है तो कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, यानी बच्चे के रीढ़ की हड्डी की बनावट या सर की हड्डी की स्कल की बनावट उसमें कोई नुस्क ना हो, इसके लिए दी जाती है। तो प्री कंसेप्शन में फोलिक एसिड सबको हम एडवाइस करते हैं लेने के लिए, एंड स्पेशली दोज पेशेंट्स जो कि कुछ ड्रग्स ले रहे हैं जिनमें कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है, उनमें तो बिल्कुल देते ही देते हैं। मतलब हम अपना किला मजबूत करके चल रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो ठीक ठाक रहे और आगे चले। बिल्कुल। और डॉक्टर यादव, आप अभी कुछ बातें बता रही थी कि हम मरीज़ को जनरल इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, लाइफस्टाइल मिसमैनेजमेंट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का आपकी तरफ से कितना अहम रोल है? बहुत बहुत रोल है शायला। पहले के टाइम्स कैसे थे, बहुत बहुत बच्चे पैदा करते थे लोग, बिना कॉम्प्लिकेशंस के बच्चे पैदा होते थे। आजकल शहरों में आप क्या देखते हो, हर कपल जो है थोड़े टाइम बाद उसको गाइनी डॉक्टर की ज़रूरत होती है कि भाई बच्चा नहीं ठहरा। तो लाइफस्टाइल इज़ बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। लेट मैरिजेस हो रहे हैं, लेट प्रेगनेंसी प्लान हो रही है, कैरियर ओरिएंटेड लोग हैं, कैरियर को पहले आगे रखते हैं, जिसमें कि कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस चक्कर में आपको प्रेगनेंसी ठहरने में कि प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और बाकी अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया है। जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी बच्चों में बहुत जल्दी एज में स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से ये इन्फेक्शंस का रिस्क हो जाता है इन बच्चों में, जननांगों का इन्फेक्शन का रिस्क हो जाता है। कभी कभी ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी हो जाती हैं जिसके लिए ये लोग या तो दवाइयाँ लेती हैं या फिर वो ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर के पास सफाई के लिए चली जाती हैं कि जिस वजह से कि उस प्रोसीजर के दौरान उनको इन्फेक्शन हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट उनको ट्यूब्स बंद हो जाने का खतरा होता है और इनफर्टिलिटी हो जाती है। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, आपने बताया कि लोग आजकल करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी डिले भी करना चाहते हैं, अपने टाइम के हिसाब से प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो काफ़ी लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कुछ इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। आपके नज़र में क्या ये रिस्पॉन्सिबल है बढ़ती हुई इनफर्टिलिटी और सबफर्टिलिटी के लिए, या ये भी सिर्फ एक मिथ है? देखो, ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स तो इनफर्टिलिटी नहीं करती। ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो मैं तो कहूँगी बहुत अच्छी बात है, आप प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए आप दवाई ले रहे हैं। जब आप प्लान करना चाहेंगे तो आप अपनी दवाई रोक दीजिए, आपकी प्रेगनेंसी जो है तीन, उसके बाद हम कहते हैं कि 2-3 महीने आप प्रेगनेंसी के लिए ना कोशिश करें और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्स ऑफ कोर्स नो, बट इंजेक्शंस यस। ये जो इंजेक्शंस हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि कॉन्ट्रसेप्टिव इंजेक्शंस हैं, इसमें रिटर्न, फर्टिलिटी रिटर्न बहुत लेट होता है। इन पेशेंट्स में कभी कभी पीरियड्स जो हैं गड़बड़ हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हल्के आने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपको पीरियड्स आते ही नहीं हैं। 6 महीने से लेके 1 साल तक आपको हो सकता है कि पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम से आप ग्रसित रहें और आप कंसीव ना कर पाएँ। तो रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी डिलेड है, क्योंकि इसीलिए मैं एडवाइस करूँगी कि अगर ऐसे अगर आप प्रेगनेंसी आगे प्लान कर रहे हैं तो डोंट गो फॉर दीज इंजेक्शंस। जैसे कि हम सब जानते हैं, आपने भी थोड़ा सा कहा कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस, जांचों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ दवाइयाँ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे नाज़रीन को आप बताना चाहेंगी कि एक सरकारी अस्पताल में, सरकारी फैसिलिटीज़ में कहाँ तक इन फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकता है, कहाँ तक फ़ायदा उठा सकता है एक आम इंसान? सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं, ब्लड टेस्ट से लेकर आपके जो प्रोसीजर्स हैं, ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन प्रोसीजर्स हैं से लेकर आपका HSG जो ट्यूब टेस्ट है वो भी
सुविधा उपलब्ध है, आपकी लैप्रोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध है, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँगी कि सारी ही ज़्यादा सुविधाएँ अब उपलब्ध हैं सारे ही सरकारी हॉस्पिटल्स में, ऑलमोस्ट जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रॉब्लम क्या आती है मरीज़ को कि इनफर्टाइल कपल को डॉक्टर से कंसल्ट बहुत फ्रीक्वेंट करना पड़ता है, स्पेशली जब उसको ही अंडा बनने के लिए वो अल्ट्रासाउंड करा रहा है, वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि वो डॉक्टर उसको नहीं मिल पाता अनटिल अनलेस वो एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाए। तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी आजकल काफ़ी हॉस्पिटल्स में स्टार्ट किए गए हैं, और अगर वो वहाँ पर जाएगा तो उसको सारी सुविधाएँ मिलेंगी, दवाएँ भी मिलेंगी, और इवन इंजेक्शंस जो महंगे महंगे इंजेक्शंस हैं इनकी भी सुविधा उन हॉस्पिटल के अंदर है, और IVF भी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा है, उसके अंदर आपका ऑल इंडिया मेडिकल में IVF की सुविधा है, आपके मौलाना आज़ाद में है, और शीघ्र ही हमारे हॉस्पिटल सफदरजंग में भी आने वाला है। शायला 6 मंथ्स के अंदर हम सोचते हैं कि हम IVF शुरू कर पाएंगे। बहुत खुशी हुई ये बात जानकर हम सबको, और सबको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा इस चीज़ से। कुछ वो चंद बातें, कुछ वो प्रिकॉशंस जो हर शादीशुदा जोड़ा प्रैक्टिस कर सकता है ताकि उनको आगे ये सब फेस ना करना पड़े। प्रिकॉशंस में तो ये है कि टाइम से अपना बच्चा प्लान करिए, इन्फेक्शन से को प्रोटेक्ट करिए, अगर फीमेल को अगर थोड़े बहुत भी अगर इन्फेक्शन्स, एक्चुअली शादी के इमीडिएट 1 ईयर तक फीमेल्स को काफ़ी इन्फेक्शन्स होते हैं, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, तो अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, भले ही वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या वजाइनल इन्फेक्शन हो, मतलब नीचे खुजली है, जननांगों की खुजली है, पानी की शिकायत है, पेशाब में जलन हो रही है, तो ऐसे के लिए वो अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक्स टाइमली दे दिए जाएं तो आप ये इन्फेक्शंस ऊपर नहीं चढ़ेंगे और आपकी ट्यूब्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप टाइमली इन इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ये रिस्क रहता है कि आपका ये इन्फेक्शन जो है आपके ट्यूब्स को भी बाद में लेटर ऑन डैमेज कर दे, स्पेशली द गोनोकोकल इन्फेक्शन हम कहते हैं, क्लमाइडियल इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि इस तरह कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुनीता यादव, बहुत ही पेचीदा मौजू को आपने इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि मैं समझती हूँ कि हमारे नाज़रीन बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे इससे, और इनकी जानकारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगले हफ्ते फिर किसी टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।